hello everyone good morning welcome back to my online class students in my previous class we have discussed rajput policy and territorial expansion of akbar in today's class we will discuss about culture, cultural contribution अकबर वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट लर्निंग एंड लिटरेचर अकबर आर्ट लर्निंग और लिटरेचर का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अकबर खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था और लिटरेचर को भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में इस आ, इस टॉपिक में कि उसने लिटरेचर को भी कितना बढ़ावा दिया अपने समय में हिस कोर्ट वॉज अडोन बाई नाइन अबुल फजल, फैजी अब्दुल रहीम खान खाना टोडरमल मानसिंह बीरबल तानसेन हुमाम एंड मुल्ला दो प्याजा उसके दरबार में रत्न नाइन जेम्स तो उसका जो दरबार था वो इन नौ रत्नों से सुशोभित था जिसमें कि कौन कौन थे इसमें थे अबुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खान खाना टोडरमल मानसिंह बीरबल तानसेन हुमाम और मुल्ला दो प्याजा फैजी वाजा पोएट हु ट्रांसलेटेड द रामायण एंड महाभारता इनटू पर्शियन, फैजी जो कि उनके दरबार का कवि था और नौरत्न में से भी एक था उसने रामायण और महाभारत का अनुवाद किया पर्शियन लैंग्वेज में क्योंकि जो उनकी दरबार की भाषा थी वो पर्शियन थी बिरबल्स ब्रिटिज्म है बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन फॉलक्लोर जैसा कि आप जानते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियाँ हमारे इंडियन फॉलक्लोर में जो प्रचलित कहानियाँ हैं उसका एक हिस्सा है अकबर बीरबल की कहानियाँ करके ऐसे कई सारे कहानियाँ हैं जो बहुत फेमस हैं तान सिंह द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ द पीरियड इन रिस्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विथ कॉम्पोजिशन ऑफ न्यू रागस सच एस द राग दरबारी इन अकबर सोनर इसके अलावा तानसेन के बारे में भी आपने सुना होगा ये भी अकबर के दरबार में थे और राग दरबारी इन्हीं का गाया हुआ राग है नाउ पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर टाइम द आर्ट ऑफ पेंटिंग रिसिव्ड रॉयल पैट्रोनोस नंबर ऑफ रॉयल कारखाना ऑफ़ पेंटिंग्स स्टूडियोज़ वॉट सेटअप फॉर आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री टूगेदर एंड वर्क टूगेदर अकबर के काल में एक और ख़ासियत थी कि यहाँ जो कहानियाँ लिखी जाती थी लिटरेचर डिपार्टमेंट था अलग से तो कहानियों के साथ पिक्चराइजेशन को भी बहुत महत्व दिया गया था और अकबर ने कई सारे लोगों को इसके लिए पेंटर्स को इसके लिए अपॉइंट किया था कि वो कहानी के साथ साथ पिक्चर को भी दिखाएं जिससे कि लोगों को समझने में आसान हो टू पेंटर्स ऑफ फेम इन द कोर्ट ऑफ अकबर वॉर बसावन एंड दसवंत और दो पेंटर्स जो कि अकबर के दरबार में ये बहुत ही फेमस थे इनका नाम था बसावन एंड दसवंत So, students, I hope you all understood very well. Tomorrow, we will see another new topic that will be architecture during Akbar's period. Till then, bye bye.